सो गाइस आज फाइनली हमारे घर में मिलाद भी हो चुकी है। टाइम पे कसीदा गौशे शरीफ भी पढ़ा गया। आपको पता है बेस्ट पार्ट, आज 11 तारीख थी उर्दू, तो उर्दू 11 तारीख थी तो उस हिसाब से क्या हो गया, साथ में वस्पा का भी फातिहा हो गया, रसूल पाक का भी हो गया। अभी हम ना शाम की तैयारी करें, बिकॉज सब लेडीज लोगों का फंक्शन शाम का है ना, तो हम सारी फ्लावर्स कटिंग ये वो सब करके सेटअप कर ले घर, है ना। तो अभी देखिए इतना तो नीट हो गया, ये आउटफिट है जो मैं पहनने वाली हूँ, और ये देखिए सारी चीजें भी अरेंज करनी है, देख रहे हो सारा, तो सारा स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है ना हमारी नूर फातिमा है, जो कि ना बहुत सारी दुआ कर रही है सजदे में, नमाज पढ़ ली, ईद मिलादुन्नबी है, इतनी सारी दुआ कर रही है। और आप लोगों को पता है मेरी नूर की ना एक मेरे जैसी आदत है, जब दिल दुखता है ना और कोई हैरान करता है ना और रोना आता है ना, तो कहीं पर भी नहीं जाती, पहले सजदे में जाके ना सब दुआ मांग लेती है रोते हुए। तो नूर यही कर रही है आज। गाइस फातिहा हो चुका है, यहाँ फातिहा का खाना है, ये लड्डू है, अभी इसमें जमजम का पानी भरना है जो मैंने अभी शॉपिंग करके चीज़ें लाई पहले है, लेकिन हम लोग दोपहर का खा ले, खाना अभी तक खाए नहीं है, सो फर्स्ट विल हैव। और ये देखिए सारा डेकोरेशन जो पार्ट उसमें देखे थे टू में, नहीं पार्ट थ्री में देखे थे राइट, तो ये देखिए ये सारा डेकोरेशन है, ठीक है। और ये यहाँ से रहे पूरा लगी हुई है सब डेकोरेशन करने में डिटेल, तो मत लगाओ। और वो जो फ्लावर का एक्स्ट्रा बंच है उसको जगह पे रख दो, उसका काम नहीं है, वो वाला जो बंच है ना, आई फील वो बंच को इस पे डाल देवे तो अपन येलो निकाल के, हाँ नहीं धूल वाले नहीं, मैंने वॉश करा ही कल, देख कितने फ्रेश हो गए, देख जरा, हाँ, है ना कुछ अलग लगेगा, हाँ कीप इट लाइक दैट। आज हमने दोपहर में नियाज में जमजम पुलाव बनवाया था। सो गाइस मैं बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही हूँ, और मेरे से बहुत ज्यादा नाराज है, सॉरी। और देख क्या रही हो तो बता। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, मैं ईदी दे रही थी आज, बड़ा दिन है ना इसीलिए। कौन सी फैमिली? ईदी तो मैं फैमिली। मम्मा अच्छा, दीदी बांट रहे हो? तो मम्मा तुम्हारी फैमिली को ईदी बांट रहे हो? मैं डायरेक्ट दूंगा, मैं फैमिली लोग को किस्मत एक में ही दे दूंगा, सब लोग को सब बांट लेंगे, बच्चे लोग में बांट लेंगे, ये अंकल हो गया ये बच्चे लोग में बटवा देगा, ऐसा वाला कोई हाथ नहीं लगाएगा पैसे को, इसकी एक्साइटमेंट गाइस, सुन इसके सारे पैसे ले लेंगे, मिला ले अंदर डाल दे, हां गाइस अब इसका रिएक्शन देखिए, मेरे पे ही हमला करेगा। मेरा फिकर इसकी बड़ी बहन को है, क्योंकि अगर मम्मत के पैसे गायब है तो ये किसके मिलेगा, नूर के, इसीलिए नूर एकदम परेशान हो गई है कि मत करो ऐसा, मम्मा पैसे ले लिए हम लोग ने, हम लोग ने एक ही बात की, थोड़े मम्मी थोड़े डैडी और थोड़े मैंने ले लिए, देखो मैं बोली थी वो तो उसके डैडी बोले मेरी ही थी, हो नहीं 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 डैडी अभी मत दो, डैडी मत दो अभी मत दो ना, अल्लाह मम्मा ने तीनों ने बांट लिए, कहां पे अभी थोड़े डैडी ने पॉकेट में रख लिए, थोड़े मम्मी ने रख लिए पर्स में, और थोड़े मैंने, दस्तर के नीचे मम्मा इनडायरेक्टली तीनों को बोल रहे हैं कि अभी परेशान कर रही है, नहीं चाहो को मेरा नहीं उठ रहा तो मैं बोल बेचारा दे दो ना बोलता है बेचारा, मैं बेचारी मम्मा ये चल किसके लिए कितने का कवर बनाएंगे वो तो बता दे, अनिन को कितने का कवर देगा, नानी को ये अनिन के लिए लिखा, मैंने पैसे कितने डाले अनिन के लिए अलग, मेरे कवर है ये सारे, ओ मेरा नाम लिखेला इस पे, नानी और मामा के लिए एक राइट, और दूसरा किसके लिए, अहमद और अनिन का एक में करूंगा, और बच्चे लोग में का एक में करूंगा, मम्मा अगर बच्चे लोग का एक करेंगे तो सब लड़ेंगे फिर क्यों आएगा, मैं बांटूंगा ना अंदर से, अच्छा अंदर से निकाल के बांटेगा, कितना ऑर्गेनाइज्ड है ये, मम्मी का ही बच्चा है, अनिन और अहमद दोनों साथ में रहते तो एक ही कवर दे देगा, कितने पैसे डालेगा नानी के कवर में, मुझे देखने दो ना काम करने दो ना, अच्छा अनिल के लिए 500 गाइस सिद्धार्थ देख रहे हो, सिद्धार्थ मैंने इसका रील कर नहीं लिया, मम्मा तुम मेरे पास
ले देखो मेम पड़ गया कि मैं कोई लेट लेगा हम कंफ्यूज के जो जमजम का सेटअप है मैं यहाँ डाइनिंग टेबल पे करूँ या यहाँ करूँ बट तहूर सेट के मम्मी डाइनिंग टेबल तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है फ्लावर्स है डिस्टर्ब नहीं करते तो यहाँ करते हैं ना आई एम वरीड अबाउट स्मॉल बेबीज जो घर पे आते तो उनको कैसे हैंडल करेंगे बट या ये भी तहूर का आइडिया बुरा नहीं अगर बच्चे सताए इनकेस तो वी कैन शिफ्ट द स्टफ ओवर देयर फॉर नाउ मम्मा ने ना सारा प्लान आउट सिर्फ बच्चों को लेके किया कम या मेरा रूम देखो मैं यू वोंट फाइंड एनीथिंग इन माय रूम अभी कबट में से ये बंद कर दूंगी लाइक मम्मा ने हर ट्राइज छुपा दिया मतलब बच्चों को एक चीज ना मिले जो हम लोग का तोड़ दे मम्मा ने बोला फिर बच्चा आता है और तुम लोग रोते हो इससे अच्छा और मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये देखो ये पीछे का मैच देख रहा हूँ मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि है ना बच्चे है ना क्या बोलते आके कोई चीज ले लेंगे या कर लेंगे मेरा प्रॉब्लम क्या पता है ये मेरे बच्चे ना डिस्टर्ब हो जाएंगे ना तो मुझे डिस्टर्ब कर देंगे कि मम्मी तुम इवेंट्स रख लेते हो फिर ना हमारी चीजें यहाँ वहां हो जाती है तो मैंने पहले ही सब अरेंज कर दिया कि ये रोए ही नहीं के फिकर तो चलो हम है ना पहले ये टेबल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं गाइस मुझे ना टेबल रनर तो कुछ मिल नहीं रहा था जो हमारा डाइनिंग टेबल का रनर है ना वो काफी बड़ा है तो मैंने दोनों साइड से इसको फोल्ड कर लिया है ये देखो बच्चों को चुप करा है पर हमारा हाउस स्टाफ जो हाउस हेल्प है वो इतने सारे और उनकी आवाज सुभान अल्लाह अरे अभी देखो मैं आवाज देती हूँ शकीला समरीन सना आवाज थोड़ा कम मुझे व्लॉग बनाने दो अब बर्तन भी नहीं धोएंगे पहले बात करना देखो बर्तन तो पहले धुल ही नहीं रहते देखो जरा देखो ऐसा चलता है हिसाब ये अल्लाह तो ये देखिए अच्छा मैंने ब्लू क्यों चूज किया आपको पता है मेरे पास टेबल रनर और भी थे बट ब्लू ना जो मैंने जो कल सोफे पे तकिए के कवर रखे उसके गो के साथ ना कॉम्प्लीमेंटिंग लगते अरे गाइस मुझे एक और चीज याद आई आई डू इट रुको बंद करो गाइस बच्चे लोग ना बेडशीट गंदी कर रहे यार ये देखो ये मैंने जमजम का जग रख दिया ये मेरे खजूर है जिसको मैंने वो आलमंड फिल की थी वो इसके ऊपर भी मैं जमजम के ग्लास भरूंगी और ये फ्लावर मैंने कॉम्प्लीमेंट देने रखे बिकॉज यहाँ सारा ब्लू है ना सेटअप में और काफी ब्राउन ब्लू एंड ऐसे कलर्स हो रहे तो आई थॉट सम पिंक फ्लावर लेट्स ऐड दैट एज वेल सो ये फाइनल लुक मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ ठीक है सारा अरेंज करके अब बिकॉज फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ना और मैंने पड़ा फिर मैं आपको बोलती कि एक और पार्ट में आना तो वो नहीं आज का इधर ही हम एंड करेंगे मतलब सारे आ जाए सबको आप देख लो कौन कौन आ रहा है फिर एंड करेंगे ये जो मैंने लाया था ना मटका कांच का ये लीक हो रहा था फिर मैंने क्या क्या पता है इसके नल को ना गोल गोल कैसे स्क्रू घुमाता है ऐसे घुमा दिया तो अब देख रहे हो अब लीक नहीं हो रहा है तो अगर आप खरीदो और ऐसे कोई इश्यू आ जाए तो यू ऑल्सो डू द सेम ठीक है सो गाइस फाइनली ये टेबल तो अरेंज हो गया मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था ये आपने देखा था पहली वीडियो में मैंने इसको अलग रखा था अब मैंने चेंजेस किया तो एग्जैक्टली आई एक्सप्लेन यू क्या चेंजेस था ये जो सबसे बड़ी हाइट है इसको इस तरफ रखा उससे छोटा तो बेसिकली असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर रखते वैसे कुछ बिकॉज छोटा बड़ा आगे पीछे अच्छा नहीं लग रहा था अब यहाँ मैंने ग्लासेस अरेंज कर दिए अभी तो मैंने थोड़े ही ग्लास भरे बेसिकली थोड़ी देर बाद में सारा पूरा रैक फिल कर दूंगी ताकि जो भी आए उसको डायरेक्ट उठाने हो एंड दे कैन ड्रिंक इट ना मम्मी लेकर आएंगे गजरे और ये देखो मम्मी गजरे लेकर आ गए फाइनली वी हैव गजराज हियर गाइस ये देखो नूर का आउटफिट वो नूर शादी में पहनी थी ना आज नूर फिर से पहनी क्योंकि आज तो ईदों की ईद है ना इसके लिए ये मोहम्मद का अयो महमूद का आउटफिट सो फाइनली मम्मी ने गजरे ढूंढ लिए तो यस एक्चुअली ना वो एक महक होनी चाहिए सिर्फ फ्रेश फ्लावर डेकोरेट करो सब करो थोड़ी खुशबू नहीं आती ना गजरों की तो मजा नहीं आती अब कंप्लीट लग रहा है सुबह से पता है सारे हाउस हेल्प एकदम सैड हो गए अरे गजरे नहीं मिले अब फाइनली गजरे आए तो सबसे पहले तो मैंने उन्हीं को दिए क्या लाइक नहीं उनको सबसे ज्यादा गजरे का एक्साइटमेंट था ये मैंने अपनी बेटी को पहना दिया गाइस कल याद है कल ये हमने बिज्जे लिए थे पढ़ने के लिए तो यस हमने यहाँ एक दस्तर लगा दिया ताकि सब आए और सरकार पे दरूद शरीफ पेश करते रहे और यहाँ पर ना हम न्याज का दस्तर भी लगा दें तो जो आए वो न्याज भी खाते रहे और साथ ही साथ ना बेस्ट पार्ट क्या पता है कि है ना दरूद शरीफ भी पढ़ लेंगे और हम है ना कसीदा गौशा शरीफ की बुक भी मम्मी लेकर आए तो रात को वो फिर से हम वो भी पढ़ेंगे हमारा खाना बन के आ चुका है ये इधर है ये इधर है इधर भी है और इधर भी है हाँ आज शकीला छुट्टी पे अपनी ये बर्रा के पीसीज है ठीक है और इसके अंदर है ना वो लग रहा है शाही रोल्स लग नहीं ये मेरे को हलवा लग रहा है हलवा चलो चेक करते खोल के तो मालूम पड़ेगा एंड गाइस ये है शाही रोल्स जो हमने स्टार्टर बनवाए यहाँ है अपना बर्रा टिक्का
ये है पाइन एप्पल हलवा, क्योंकि सारों को मेरे घर में पाइन एप्पल हलवा बहुत पसंद है। ये है स्मोकी पुलाव, लुक्स लाइक एन जमजम पुलाव बिकॉज इसके ऊपर ना कलरिंग ये डाला हुआ है, बट इट्स अ स्मोकी पुलाव, इसमें ना कलरिंग चिकन है। ठीक है, क्रीम भी आ चुकी है, यहाँ है आइसक्रीम, लेट्स सी भैया ने कैसे भेजा। हाँ, ये रोल्स कट करे हुए सील्स, देख रहे हो आइसक्रीम आ गई, सारा कुछ आ गया। आपको अब ये देखो इस तरीके से प्लेट्स रेडी हो रही है। दिखाऊंगी फाइनली दावत का सेटअप शुरू हो चुका है, बच्चा पार्टी ऐसा नाम मिलके सेटअप कर रहे हैं, एकदम दूल्हे की तरह तैयार होके बैठे। बट ओनली थिंग इज डिसअपॉइंटिंग मी टुडे इज यासिर ने एम्ब्रॉयडरी वाला क्यों नहीं पहने, इस्त्री नहीं था राइट। हालांकि हमारे पास इस्त्री करने घर में तीन लोग है, पर पता नहीं क्यों यासिर को लगता है इस्त्री नहीं था। हेल्प करवा रही है, मुझे काम करना बहुत पसंद है। अभी इसमें राइस नहीं डालेंगे, राइस वहाँ जाके डालेंगे, ये लेकर जाओ। और यासिर क्या कर रहे पता है? हाँ अच्छा, चिकन खा रहे हो। सो फाइनली फैमिली इज योर सो इट्स एंड ऑफ द डे। या सो गाइस, दावत हो गई है, सारा रैपअप हो गया है। अब क्या चल रहा है पता है? बच्चा पार्टी ना नाथ शरीफ पढ़ रहे हैं, अब ना बड़ी रात है ना, तो बच्चा पार्टी नाथ शरीफ पढ़ेंगे। और हाँ, लड़ाई झगड़े तो उनके बच्चों के चलते रहते हैं। हाँ, सब खाना खा लिए, रात का ना 12 बज रहा है अभी, बट अब ना मेरा खाना खाना बाकी है बिकॉज सब आ रहे थे ना, तो मुझे खाना खाने का टाइम नहीं मिला। बेचारे लोग सब मेरे घर वाले इन लॉज हो के मॉम के घर फैमिली हो, सारे बहुत अच्छे, सारे बोल रहे थे हीना तुम पहले साथ में खा लो, मेरी ननंद इतना बोल रहे थे हीना तुम खा लो, मतलब यासिर की सिस्टर, सारे बहुत अच्छे, सब बोल रहे थे। लेकिन द थिंग इज हमारा भी माइंड डाइवर्ट रहता ना, सबको अटेंड करना है, ये करना है, वो करना है, तो काइंड ऑफ इट वॉज लाइक दैट। अब हम प्लेट मिलेंगे, अभी पहले मैंने सबसे पहले हाउस हेल्प को बोला पहले आप लोग खा लो, बाकी सब देखा जाएगा। तो अब वो लोग भी खाने बैठ गए, अब हम खा लेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने यासिर को बोला अपनी सिस्टर्स को सबको ड्रॉप करके आ जाओ कार में जाके, बिकॉज एक साथ बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कब कैब ढूंढेंगे, कब पहुंचेंगे। सो ये भी हो गया सॉर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। ना रैप अप, बहुत अच्छा दिन गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सरकार की आमद थी, अच्छा तो जाना ही था बेशक। Happy birthday to you.